जब भी आप कोई YouTube पे वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको हर एक यूट्यूबर दो बातें कॉमन जरूर कहेगा। पहला चीज ये कहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद कहेगा कि बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आखिर क्या होता है बेल आइकन के दबाने से, और क्यों कहता है कि आप बेल आइकन जरूर दबाइए? यूट्यूबर को क्या फायदा है बेल आइकन के अगर आप दबाते हैं, और आपको कौन सा फायदा या कौन सा नुकसान है बेल आइकन के दबाने से? तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए क्या है बेल आइकन दबाने के फंडे। तो दोस्तों, वेलकम टू अर्थ स्पीक्स। दरअसल यूट्यूब में हम सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, बनाने के बाद आप सभी हमारे डिजिटल परिवार का एक सदस्य की तरह काम करते हो। और जब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बेल आइकन दबाइए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो बेल आइकन दबाने से आप एलिजिबल हो जाते हैं हमारे हर नए वीडियो की या किसी पोस्ट की जो हम डालते हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलने के लिए। यानी कि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे हर नए वीडियो की जानकारी या कोई पोस्ट है उसकी नोटिफिकेशन या स्टोरी हम डालेंगे तो सब कुछ आपके पास पहले एक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। इससे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचती है। अब बेल आइकन दबाने के दो तीन ऑप्शंस आते हैं जब आप बेल आइकन दबाते हैं। एक तो फ़ायदा ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हमको फ़ायदा ये कि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो हमारी रीच थोड़ी सी बढ़ती है। दूसरा, उसमें कई बार नुकसान भी होता है। अगर आपने ऑलरेडी बेल आइकन दबा रखा है और हर बार आप नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद बेल आइकन को दबा देते हैं, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबाते हैं, दूसरी बार आप दबाते हैं मतलब आप उस नोटिफिकेशन को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब अगली बार जब कोई नया वीडियो आएगा आप तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। तो इसमें पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ एक बार दबाना होता है बेल आइकन को। जब आप दबाएंगे तो उसके आसपास लाइन बन के आती है, मतलब आपने उसको बेल आइकन को दबा दिया, अब आपको दोबारा दबाने की जरूरत नहीं। और जिस समय आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आप नीचे ऑप्शन के बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो ऑप्शन में तीन ऑप्शन आते हैं उसमें। अब आप अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि सभी नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचे, तो उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है उसमें फ्रीक्वेंटली, कभी कभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और कभी ना पहुंचे तो आप उसको चूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है नेवर, मतलब आप नहीं चाहते आप तक कोई नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप नन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। तीन ऑप्शन, अगर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं नोटिफिकेशन पा रहे हैं समय, मालूम पड़ा आपने सबको सब्सक्राइब किया और सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लगे या सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने लगे, तो सब्सक्राइबर के बाद परेशान भी हो जाता है। तो उस समय आपको फ्रीक्वेंटली, आप चाहते हैं जो चैनल आप सब्सक्राइब करके आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसमें फ्रीक्वेंटली ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए कि जो आपको अच्छा लगे आप चूज़ कीजिए, नहीं अच्छा लगे आप मत देखें। या अगर आप बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन पर आ रहे हैं तो कुछ चैनल जो आपको पसंद नहीं है आप नन पे क्लिक कर दीजिए तो वो नोटिफिकेशन आप तक आने बंद हो जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप चैनल बिल्कुल पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आप चाहते हैं कि उसका हर वीडियो का, हर पोस्ट का, स्टोरी का नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचे, ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो हर नए वीडियो की जानकारी आप तक बेल आइकन दबाने से पहुंचती रहेगी। हम लोगों को फायदा ये होता है कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। हम मतलब सारे यूट्यूबर्स या सारे क्रिएटर्स, वो लोग जो वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उनको ये फायदा है कि उनके हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती है। और आप चूंकि ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं और उस वजह से आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये बेल आइकन के फंडा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बेल आइकन क्यों होता है, इसके क्या फायदे हैं। और सबसे बड़ा फायदा यही यूट्यूबर्स के लिए कि आप अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन तक सारी जानकारी पहले पहुंचती है, तो हमारे सबसे पहले व्यूअर्स जो होते हैं आप ही लोग हो सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है आप लोग शेयर कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं, और अगर नोटिफिकेशन आपने नहीं दबा रखा है तो आप तक जानकारी नहीं पहुंचती। तो कई बार बहुत अच्छे वीडियोज होते हैं और आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा है, नोटिफिकेशन ना मिलने की वजह से आप उसको देखने से वंचित हो जाते हैं। बेल आइकन के अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेंट आपकी पसंद का है या कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने मिस कर दिया या आपने देख लिया। तो मेरे ख्याल से बेल आइकन दबा के रखना जरूर चाहिए ताकि आपको जो भी आपने चैनल सब्सक्राइब करके हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे, और उसको आप जब भी चाहें बीच में डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, या आप ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, या आप फ्रीक्वेंटली चाहते हैं कि आप सभी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, कभी कभी मिले, तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। और जब आप किसी चैनल से इरिटेट हो जाएं तो आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम मेरे वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन दबा के रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने कर रखा है उनका थैंक यू वेरी मच, और जिन लोगों ने नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बहुत सारे वीडियोस अलग अलग विषयों पे बने हुए पड़े हैं, आप देख सकते हैं। उसके देखने के बाद आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, कुछ अच्छा लगता है वो बताइए, अच्छा नहीं लगता है वो भी बताइए। तो उम्मीद है आज बेल आइकन का फंडा आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो बेल आइकन का है, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कौन से चैनल आपको सब्सक्राइब करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, फ्रीक्वेंटली करने हैं या ऑल करना है या कोई नहीं करना। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और मुझे बताते रहिए और किन विषयों पर मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, लाता रहूँ। और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।